अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि एक तो पाकिस्तान मैच जीत गया सेमीफाइनल में, जिसकी पहुँचने की उम्मीद ही नहीं थी। और सब कह चुके थे, हिम्मत हार बैठे थे कि पाकिस्तान तो सेमीफाइनल से आउट है, लेकिन पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुँच भी गया, उस समय पहला सेमीफाइनल जीत भी गया और सबसे पहले पहुँच भी गया। जिन्होंने जिन्होंने पाकिस्तान को टूर्नामेंट से निकालने के लिए कोशिशें की थी, मैच हारे थे। इंडिया जानबूझकर साउथ अफ्रीका से मैच हारा ताकि पाकिस्तान आउट हो जाए इससे T20 वर्ल्ड कप से, लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि सबसे पहले पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। और इस पे एक लतीफ़ा आपके साथ शेयर करूंगा। एक नशेई मस्जिद में बैठा वजू कर रहा था, मौलवी साहब भाई उन्होंने देखा, वे तू थे की कर रहे हैं, तो नशे आगे से जवाब देता, मौलवी साहब जरा रुको, हौसला करो, परेशान तो तुम उस टाइम होगे जो मैं जन्नत में भी पहुंच जाऊंगा। तो ऐसे ही कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है। इंशाल्लाह अब पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीत कर आएगा इंशाल्लाह। और कल का जो मैच है इंडिया का और इंग्लैंड का, तो उसमें देखना कि इंडिया अब क्या परफॉर्म करता है, क्योंकि इंडिया पे काफ़ी प्रेशर होगा, क्योंकि पाकिस्तान जिसको निकालने के लिए उसने कोशिशें की थी वो ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुका है। और अगर इंडिया यहाँ से आउट होता है तो इंडिया की वाम ने जो उनका करना है ना वो तो पता ही है। खैर, हमारी वाम भी कुछ ऐसी ही है। अब से इस मैच से पहले बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आज के मैच में उन दोनों ने परफॉर्म किया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैच बना गए वो। और बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगा और इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान में ही आए। और एक और ये मेरी अपनी सोच है, मैंने अपने एक जहन से एनालिसिस किया है कि ये इंडिया ही आएगा फाइनल में, इंडिया को जितवाया जाएगा इंग्लैंड से और फिर इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच था तो क्राउड फुल था, पूरा स्टेडियम बिल्कुल पैक था, कोई गुंजाइश नहीं थी, और किसी मैच में आपको इतना क्राउड नहीं मिला होगा। सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैच में आपको ये क्राउड मिला है। और मेरी ये सोच काम कर रही है, जहन से मैंने जो एनालिसिस किया है कि ये इंडिया को जितवा के फाइनल में लेकर आएंगे, पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा। और क्राउड जैसा आपको वो आप सब जानते हैं कि ये तो हमारी एक समय जंग होती है, तो ये फाइनल पाकिस्तान इंडिया का होगा और फुल क्राउड होगा। उसके अलावा तो फिर स्पॉन्सर भी आएंगे और बहुत हैवी तगड़े स्पॉन्सर आएंगे। और उसके अलावा आपको ये भी किसी भी कंट्रीज का मैच देखना, दो टीमों के दरमियान मैच हो रहा है, कोई इतना खास नहीं, कोई छोटी सी समझ लेंगे, बस वो स्पोर्ट्स ही समझते हैं, बस मैच हो रहा है ठीक है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की ये जंग होती है, और सबसे ज़्यादा जुआ पाकिस्तान इंडिया के मैच में ही लगता है। और इंडिया में तो आपको सबको जानते ही होंगे, पता ही होगा, इंडिया में बेतहाशा सट्टेबाजी, जुआ ये तो पीक पे है ना जी, उधर बेतहाशा, तो उन्होंने उस पर लगाना भी बहुत है। तो जहाँ तक मेरा जहन काम करेगा, ये पाकिस्तान इंडिया का मैच ही आएगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान ही ये मैच जीत के आएगा। हम सबकी दुआएं हैं पाकिस्तान के साथ, जिसका अभी सेमीफाइनल तक पहुंचाने के लिए सब लोगों ने बहुत दुआएं की थी, तो इस बार भी इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीत कर आए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।